सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहाँ पर गाइस आप लोग डिफरेंट टाइप्स का आर्ट वर्क देख पाओगे, सीख पाओगे और कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये एक ट्यूटोरियल है, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखो। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मैं पोर्ट्रेट का, वाटर कलर का और जो पेस्टल का, सबका मैं जो कैसे करते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल का पार्ट दे दूंगा। सो गाइस ये है पहला ट्यूटोरियल का पार्ट जो मैं करने वाला हूँ पोर्ट्रेट का। पोर्ट्रेट का प्लेलिस्ट तैयार होके रेडी है, आप लोग जाके आई आइकन पे चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप लोग देखो। और गाइस इस वाला सीरीज़ पे, पोर्ट्रेट का सीरीज़ पे गाइस मैं रेगुलर वीडियो तो नहीं दे पाऊँगा, पर हफ्ता पे एक दो वीडियो तो आ ही जाएगा। सो गाइस इस वाला जो पार्ट है, इस पे गाइस ये पार्ट वन है, इस पे गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक चीज़ आप लोगों को लगेगा, मतलब ड्राइंग करने में क्वालिफिकेशन लगेगा। कुछ क्वालिफिकेशन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बेसिक चीज़ नॉलेज होना चाहिए या फिर प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को पोर्ट्रेट इजीली करने में हेल्प करेगा वो। सो गाइस देखो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल भी है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मेरा इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, क्योंकि गाइस ऐसे ही वीडियोस करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगता है। सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक मज़े से देखते रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस देखो, एक नॉर्मल सा सिंपल एक पेपर ले लो, कोई भी GSM का हो। GSM का मतलब है कितना वो मोटा है, कोई भी हल्का फुल्का कुछ भी ले लो गाइस, कुछ भी पेपर एक ले लो सिंपल। फिर गाइस तीन थिंग्स लो, एक है मैकेनिकल पेंसिल, अगर मैकेनिकल पेंसिल नहीं रहा तो नॉर्मल एक पेंसिल ले लो, मैकेनिकल पेंसिल तो लगेगा ही। मैं इसके बाद वाला वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ लगेगा, बहुत ही बेसिक है, 5-10 रुपये का है, आप लोग वेट करो गाइस, नेक्स्ट वाला वीडियो विल कम सून। सो गाइस देखो, एक मैकेनिकल पेंसिल, एक नॉर्मल सा पेंसिल, एक इरेजर। इरेजर का उतना ज़रूरत नहीं है जो बेसिक जानता है, मतलब प्रैक्टिस अच्छा करता है। गाइस देखो, आप लोग देख पाओगे कि गाइस मैं लाइन को खींच रहा हूँ, इस चीज़ का ही मैं गाइस बात कर रहा था। जितना बहुत ही स्पीड से गाइस आप लोग लाइन खींचो, टेढ़ा बाका जो भी गाइस लाइन खींचते रहो। देखो गाइस मैं कितना स्पीड पे, कितना इजीली लाइन खींच रहा हूँ। गाइस अगर आप लोग ये वाला लाइन ठीक से नहीं खींच पाओगे तब गाइस आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा। जब आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे उधर तो लाइंस बहुत सारा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पकड़ पकड़ के जो ड्राइंग करते हैं वो बेकार है, मतलब वो बेकार नहीं है, वो भी कर सकते हो, पर गाइस उसमें से आप लोगों का आर्टिस्टिक रियलिस्टिक फील नहीं होगा, बहुत ही खटनी होगा। इसलिए गाइस ये वाला प्रोसेस बहुत ही ईजी है, इसलिए इसका गाइस करना पड़ेगा। और इसमें से गाइस अगर आप लोग करोगे तब देखो गाइस कितना स्पीड पे कर रहा हो, अगर करोगे तब बहुत ही स्पीड। सोच लो आप बहुत ही अच्छे ड्रॉ कर लिए, आप कहीं पर गए, वो बोला कि 5 मिनट में मुझको ड्रॉ कर दो पोर्ट्रेट, मेरा ये फोटो लो 5 मिनट में कर दो। अगर आप करने जाओगे तब, अगर स्पीड पे नहीं कर पाओगे तब मुश्किल हो जाएगा ना। तो देखो, और गाइस मैं बता रहा था ये लाइन आपका पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में क्या हेल्प करेगा। देखो पहले ही किसी ह्यूमन का ड्रॉ मत करो, एक नॉर्मल सा खुद का ड्रॉ करो। देखो गाइस मैं सिर्फ 2 लाइन खींचा और मैं कर लिया। तो इसके लिए गाइस आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लस जो बहुत ही ईजी है, पर गाइस स्ट्रेट होना चाहिए, कोई टेढ़ा वैका होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपका ये फेस जैसा है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि पोर्ट्रेट जब करोगे तब क्या होगा, कैसे करोगे। देखो गाइस ये 4 चीज़ आप लोगों को लगेगा। अब गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 4 चीज़ किस जगह पर लगेगा। देखो किस जगह पर लगेगा वो देखो, पोर्ट्रेट में ड्रॉ करूँगा तो पोर्ट्रेट का देखो, जो कान होगा वो एक बॉक्स है, जो आई होगा वो और एक बॉक्स है, जो नाक होगा वो तो बॉक्स है ही,
पर जो नाक का एकदम एंड वाला पार्ट वो जो स्क्वायर है पर थोड़ा उल्टा वाला जो साइड वाला स्क्वायर है ना नीचे वाला फोर्थ नंबर वो वाला। और देखो गाइस लाइंस कितना स्मूथली मैं कर पाऊँगा। आप अगर करोगे प्रैक्टिस ये अच्छे से गाइस, ज़्यादा प्रैक्टिस ये करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ गाइस एक पेपर लो, दो दिन ऐसा प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। मैं गाइस इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल सा, पहले ही गाइस आप लोग मत सोचो कि मेरे तरह आप कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस को या फिर कोई भी फेमस पर्सन या फिर अपना नेबर अपना कोई भी रिलेशनशिप का जो भी कोई भी बंदे को आप ड्रॉ कर पाओगे, वो गाइस गलत है क्योंकि एक्यूरेट तो ड्रॉ नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होता था पहले, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाइस, वैसे ही बोल रहा हूँ गाइस। देखो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, आप लोगों के साथ शेयर करके अच्छा लगता है और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हो, इसलिए ही गाइस कर रहा हूँ। देखो गाइस ये सभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो गाइस नाक पे यूज़ होगा, हर जगह पर गाइस, कोई भी फिक्स जगह नहीं है गाइस। जो गला था वो भी बॉक्स का है, सिर्फ गाइस एक एक बॉक्स करके होगा, बॉक्स तो बॉक्स करके गाइस करोगे तब इजी होगा, पर गाइस बॉक्स करके आप ड्राइंग को भी कर सकते हो। मैं बोला था कि ग्रिड मेथड कैसे यूज़ करते हैं, उस पर भी गाइस आप लोगों का हेल्प करेगा। आप अगर ग्रिड नहीं भी करोगे तब भी आपका ड्राइंग पूरी एक्यूरेट आएगा, पूरी क्या पूरा तो नहीं आता है गाइस, ड्राइंग तो पूरा ये ड्राइंग है गाइस, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक आएगा ही। और गाइस देखो शेडिंग में कैसे हेल्प करता है, देखो गाइस मैं साइड वाला फेस आप लोगों को थोड़ा सा ही शेड करके दिखा रहा हूँ, कितना थोड़ा भी गैप नहीं है, पूरा एकदम अच्छे से शेड हो पाएगा अगर आप लोग ऐसे ही स्ट्रेट लाइन को मतलब स्ट्रेट लाइन को देख के करोगे आप लोग ऐसे ही गाइस। देखो स्ट्रेट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन कहीं भी नहीं तो गाइस जब स्पीड पे करोगे ना तब ना, मेरा भी पहले होता था, मैं जब स्पीड पे करता था तब गाइस मेरा रॉन्ग हो जाता था और मेरा पूरा ख़राब हो जाता था, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ गाइस ये वाला चीज़ गाइस प्रैक्टिस करो, मैं कैसे बोला उसको देख के गाइस प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो। इस वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कैसे करोगे और भी। सो गाइस मेरा इस वीडियो हो गया है कंप्लीट। इस वीडियो में गाइस आप लोगों को सिंपल एकदम सिंपल सा लाइंस क्या क्या लगेगा उस पर मैं बात किया हूँ। ये लाइंस गाइस आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करो क्योंकि गाइस ये वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब जब आप लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे किसी फ़ोन से या फिर एक प्रिंटआउट से तब गाइस आप लोग नहीं कर पाओगे। सो गाइस ईजी है, करते रहो प्रैक्टिसिंग, डू इम्प्रूविंग, गुड बाय, टेक केयर। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं जाता हूँ, नेक्स्ट वाला वीडियो के लिए वेट करना, गुड बाय।